हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 30.6 एक्सरसाइज का 9th क्लास के लिए। यहाँ क्या गिवन है? इज द लेटरल सरफेस एरिया, हमें लेटरल सरफेस एरिया गिवन है कितना? इतना। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, इट्स वॉल्यूम, और पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है। हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया इतना और उसकी हाइट है सिलेंडर की 5 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है, पहला केस है हमें रेडियस निकालनी है और सेकंड हमें वॉल्यूम, और ध्यान रखें पाई की वैल्यू है वो 3.14 लेनी है। ज़रूर देखें क्योंकि 22/7 रख करके हम उसको करेंगे और हमारी गलती हो जाएगी। ओके, स्पेशली दे रखिए कि जो ये दे रखी है तो यही वैल्यू हम लेंगे। ओके, लेट्स डू। इन सिलेंडर हमें मिला हुआ लेटरल सरफेस एरिया यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखे, जब कभी एरिया आएगा वो किसी भी यूनिट की पावर 2 होगा, चाहे वो मिलीमीटर पावर 2 हो, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर हो, या कोई भी यूनिट हो। नेक्स्ट जो होगा, जो लेंथ होगी वो सिंपल यूनिट में होगी, मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, और जो वॉल्यूम होगा वो पावर 3 में होएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें आप कि वॉल्यूम के केस में पावर 3 हो, चाहे वो सेंटीमीटर पावर 3 है, मीटर पावर 3 है, यूनिट का जरूर ध्यान दें वो सेंटीमीटर मिलीमीटर क्या है। ओके, तो CSA 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। नाउ इसको सॉल्यूशन करते हैं। CSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? 2πRH इज इक्वल टू 94.2, यानी कि R की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारे पास H भी है और हमारे पास पाई भी है, सिर्फ रहता है तो वो है R। तो R की वैल्यू निकालने के लिए 94.2 ये डिवाइड में आ जाएगा 2π, 2b, पाई भी और HB। 94.2 2 पाई है 3.14, H है 5, तो फिर ये डेसिमल हटेगा, इसकी ऊपर 100 चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये डेसिमल हटेगा, इसका 10 नीचे आ जाएगा, डेसिमल हट चुका है। अब इसको करते हैं, ये एग्जैक्टली इसका 3 का मल्टीपल है। आप देखेंगे 14 3 42 होता है, 3 3 9, तो ये इसका 3 पे ये डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ऐसे केस में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 3.14 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, ऐसे इस तरीके से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो काटते हैं, 1 जार, ये एग्जैक्टली 3 जार पे कट गया। फिर 10 से 10 गई, 5 1 जार, 5 2 जार, 2 1 जार, 2 1 जार, नीचे सारे 1 है, ऊपर सिर्फ 3 बचा है, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर है ये हुई इसकी रेडियस। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको जो चाहिए होती है चीज़ें वो है एक R की वैल्यू और एक H की वैल्यू, जो दोनों ही आपके पास अवेलेबल है। H आपको दिया गया था, R आपने अभी निकाल लिया है। अगर मान लेते हैं आपको ये स्टेटमेंट नहीं दे रखी होती तो पहले आपको रेडियस निकालनी ही पड़ती इस तरीके से। ओके, हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट ही ना दे, आपको कन्फ्यूज करने के लिए, थोड़ा एग्जाम टिपिकल हो जाए, तो आप ध्यान देंगे कि पहले रेडियस निकालेंगे। अब R और H दोनों हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, 3.14 मल्टीप्लाई आर, 3 3 H, 5, 3 3 9, 9 5 45, 45 को 3 1 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 5 5 2 7, 5 3 15, 4 14 4 56, 4 3 12, 0 7 6 13, 1 6 5 11, 1 4
वन। डेसिमल के बाद दो डिजिट थी तो दो डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगी यहाँ पर, ओके। तो हमारा आंसर आया है 141.30 सेंटीमीटर पावर 3, वॉल्यूम है इसलिए पावर 3 होगी। तो ये हुआ इसका नेक्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर हमारा था ये, ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद नेक्स्ट क्वेश्चन।